76 साल हो गए याद हुए और हमारे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए अभी 78 साल में। ये मोदी जी कभी कभी अपने वाले भी बीच में गिन जाते हैं, पिछले 70 साल से देश को, मैं 70 में से 13-14 आपके भी हैं भाई साहब। वो अपने वाले भी गिन जाते हैं बीच में। इसरो ने किया था चंद्रयान का लॉन्च, तो मैं भी देख रहा था, लाइव चल रहा था। मैंने कहा सुन लें प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। चंद्रयान के लॉन्च पे चले गए, वहां पे कहने लगे इसरो से मेरा पुराना नाता है। अपने माथे पे हाथ मारा, मैंने कहा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो की बातें कर रहा है यार ये। इसरो तो साइंटिस्ट पढ़े लिखे लोगों का काम है, इसका क्या नाता हो सकता है इसरो से भाई। मैंने कहा जोड़ेगा तो सही, फिर कैसे जोड़ेगा। उसने कहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तीसरी चौथी कक्षा में था बहन भाइयों, मेरे हाथ तंग था पढ़ाई में, तो इसीलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। ओ की बनू मुल्क दा, ओए मैं क्या होए, ओ की बनू है देश दा, मैं क्या रब्बा बचा ला यार। ताड़ियां बज रही हैं जिम्मे तुसी बजा रही सी, ताड़ियां बजा रहे। अभी हाईवे निकाल रहे हैं, अब कहते हैं आप उड़ीसा वाले रेट दो पंजाब वाले। मैंने कहा उड़ीसा की जमीन को हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, उड़ीसा की बेआबाद जमीन है, कोई कुछ होता ही नहीं वहां पे, कोई हमारी फर्टाइल जमीन है एक एक इंच, आप हमें और रेट दो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, उड़ीसा की जमीन का इतना रेट है तो पंजाब में इतना क्यों। अभी हाईवे आप उड़ीसा में उधर निकाल लो हमें, लेकिन हमारे तो रेट दो ना, हमारे किसान का रेट दो, ठीक है ना। तो सरकार के पास लैंड पूल होना चाहिए, इतना भी महंगा ना हो कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए। अभी मेरा डबल इंजन, अभी हमारा एक इंजन खराब हो गया बीच में से, फिर नया इंजन, कौन से इंजन यार। अभी तो अर्बन डेवलपमेंट है माननीय खट्टर साहब के पास, अभी तो अर्बन डेवलपमेंट देश का है, अब कर दें ठीक, अब तो कर दें, पहले चलो 10 साल में नहीं कर पाए, अब कर दें। लोकल गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये तो सारा इंडस्ट्री होगी, ये सारा सिस्टम ही इन्होंने ना ऐसे असल में चूस लिया। वो क्या है ना, हम लोग भी क्या करते हैं ना, असल में ये समझ गए हमको जनता के ना, ये हिप्नोटाइजर बन गए सारे, ये समझ गए जनता को कि जनता के मेमोरी खास नहीं है, जनता की जल्दी भूल जाती है। आखिरी साल इलेक्शन वाला साल, बस आखिरी 2 महीने थोड़े से लॉलीपॉप दे दो, लोगों को वही याद रहते हैं, पहले वाले 5 साल बिल्कुल याद नहीं रहते, क्या हो गया था, कब हुआ था, कहां कहां लूटा था। एक किसी घर में लड़की की शादी थी, परिवार वाले अच्छे खासे अमीर थे, जिमीदार थे, शादी करेंगे धूमधाम से, इकलौती बेटी है, लाडली बेटी है, तो उसके लिए गहने सोने के जेवरात, चांदी के बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े शैंडलियर, बड़े बड़े टीवी सेट, ये वो रख लिए। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, वो ट्रक लेके आ गए, ट्रक बैक किया, सब सोफे साफे, सब बेड शेड जो भी थे, शैंडलियर झूले, सोने के गहने, परिवार वालों को, लड़की के परिवार वालों को एक परिवार एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के ट्रक में भर लिया। जब चलने लगे, अब ये सोचना अब कि हम कैसे इनके लॉलीपॉप में आ जाते हैं जो 2 महीने पहले करते हैं ना ये। जब चलने लगे डाकू, तो डाकुओं के सरदार ने कहा नहीं, पहले ये बताओ लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है। इनका सरदार इस कमरे में बंद है, खोलो। उसका उसकी कुंडी खोली गई, अंदर सहमा हुआ परिवार बैठा है,
डाकुओं का सरदार अंदर गया और उसने कहा, किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको एक देके और सिर पे हाथ रखा, बेटा आशीर्वाद आपको, जिंदगी मंगलमय हो, तंदुरुस्ती बनी रहे बेटा। चलो वो अपना लूट पूट के चले गए, ट्रक ले गए। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की वालों के परिवार में से एक भी बंदा, एक भी औरत, एक भी महिला उस परिवार में से डाकुओं के खिलाफ पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं थी। कहते जी बंदे लूट के भाई ले गए जैसे मर्जी, लेकिन बंदे बड़े चंगे थे, 100 रुपया शगन दे गए। अब 1100 रुपया महंगा कर दिया सिलेंडर, मोदी जी ने 100 रुपया सस्ता कर दिया। कहते कमाल कर दी मोदी जी ने, 100 रुपया सस्ता कर दिया। अरे महंगा किसने किया था? महंगा 1000 रुपये किसने किया था? ये तो सोच लो, हमें याद ही 100 रहता है आखिरी वाला जो शगन देके जाते हैं। ये सही बात है ना, ये हमारा। फिर रोते रहते हैं हम 5 साल। अच्छा, खास तौर पे पढ़े लिखे शहरों में वोटिंग होती है 50%, 52%, बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है शहर में किसी में 55 से ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग छुट्टी वाला दिन मानते हैं उसको, इलेक्शन वाले दिन को। उस दिन हम शिमले चले जाते हैं, 2-3 छुट्टियां इकट्ठी हो जाती है ना उस दिन, फिर हम शिमले चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, और आके पूछते कौन जीत गया भाई, कहते फलां जीत गया, बड़ा बहुत गंदा बंदा जीत गया। भाई साहब 5 साल गालियां दोगे तो उस दिन रहते ना, उस दिन वोटिंग में तो हिस्सा लेते, कोई और पसंद नहीं नोटा दबा देते, लेकिन डेमोक्रेसी में तो हिस्सा लो। डेमोक्रेसी में लेते नहीं, गालियां 5 साल देते हैं। पर थोड़ा सा हमें भी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि अकेला सिर्फ हर चीज हम उन पर नहीं छोड़ सकते। वो तो फिर जब उनको मौका, पॉलिटिक्स में गंदे लोग, पॉलिटिक्स में बुरे लोग इसलिए नहीं कि बुरे लोग इसमें आते हैं, पॉलिटिक्स में बुरे लोग इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि चंगे लोग अच्छे लोग इसमें जाते नहीं। हमने क्या लेना यार, छोड़ो यार, ये गंदा गंदा गंदी गेम है यार। क्या गंदी गेम है यार, कमाल है, हमने क्यों नहीं लेना भाई। फिर अगर भगत सिंह ये बोल देते उस समय कि हमने क्या लेना है, वो भी अच्छे परिवारों के थे, वो भी 90-90 साल की उम्र जी लेते, लेकिन उन्होंने कहा हमने लेना है, हमने अंग्रेजों से हिसाब लेना है और अपना देश लेना है। जिस उम्र में आज नौजवान अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगता है ना, उस उम्र में 22-23 साल की उम्र में भगत सिंह मुल्क मांग रहे थे अंग्रेजों से। तो ये थोड़ा हमको भी थोड़ा जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, चंगे अच्छे लोगों को लेकर आओ। मैं नहीं कहता कि इसको डालो इसको डालो, अच्छे लोगों को लेकर आओ, जो लगता हो कि हाँ अच्छे हैं यार। फिर अगर अच्छे लोग विधानसभा जाएंगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट जाएंगे, तो फिर कानून भी अच्छे बनेंगे, कानून भी ऐसे बन के आएंगे। तो अगर गुंडे जाएंगे जब पैसे लेके जो वोटे खरीदते हैं, वो कहते ठीक है फिर जिस दिन आपने रेट बताया था हमने आपको दे दिया, अब आइए हम रेट बताएंगे अपने काम का। तो ऐसा चल, जो एक बार आपको खरीदेगा वो 5 साल आपको बेचेगा, ये भी तो है। सो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए बनाई है कि यार चंगे बंदे इकट्ठे करो, बाकी पार्टियों से भी आ जाएं कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को एक ऑप्शन दो। ये दोनों तो आपस में मिल चुके हैं, अगर मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, अगर तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना, हमारा दोनों का चल रहा है, पब्लिक पिस रही है, जो चक्की के दो पोड़े हैं ऐसे जनता बीच में पिस रही है। जनता है दाने, जनता गेहूं है, ये चक्की के दो पोड़े हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये पिस रही है जनता। तो जनता सोचती है ये चक्की तो बहुत ही यार गंदी चक्की है, ये तो पीस रही है हमें, चक्की पलटा देंगे इस बार, पलटा दिया चलो ये हो गया, ये और क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया, ऊपर नीचे वाला जालो, जनता तो बीच में रह गई। चक्की को पलटा के देखना, जो दाने हैं बीच में उनकी स्थिति तो नहीं बदलती ना, पुड़ की स्थिति बदल जाती है, एक खड़ा होता है नीचे वाला, ऊपर वाला चल रहा होता है, जनता पलट देती है तो ऊपर वाला चलने लगता है, खड़ा हो जाता है, नीचे वाला चलने लगता है, दाने तो बीच में रहते हैं, दाना मीन्स पब्लिक। सो ये जो आपके हैं
मुझे समझ नहीं आती, छाबड़ा साहब, जियालाल जी, अनुराग त्रिपाठी साहब, ठीक है जी, गुलीर सिंह, विनोद खांडेलवाल साहब, सुरेश कुमार जी, पवन चंद्रा जी, बलवंत सिंह सैनी, राम खुल्लर जी, आपके बिल्कुल सही मसले हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 75 नहीं, अब तो 78 हो गए, 78 साल हो गए याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने के बारे में सोच रहे हैं और हमारे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए अभी 78 साल में। ये मोदी जी कभी कभी अपने वाले भी बीच में गिन जाते हैं, पिछले 70 साल से देश को, मैंने 70 में से 13-14 आपके भी हैं भाई साहब, वो अपने वाले भी गिन जाते हैं बीच में। सो इस करके हर बात नेहरू पे लगा के काम नहीं चलेगा, हर बात मोदी पे छोड़ के भी काम नहीं चलेगा, कुछ नई कहानी लिखनी पड़ेगी। दिल्ली में नई कहानी लिखी, पटरी ली आ गई। बैठ की बात करता हूं, तब बैठ था तो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने व्यापारियों को बुलाया, बोलिए क्या समस्या, 12.5% बैठ था जी, आप तो देते रहे होंगे, तो कह जी बैठ कम कर दो, कितना कर दूं, बोले कम कर दो जितना मर्जी कर दो, 7% बैठ कम कर दिया, 5.5% बैठ रह गया। और साथ में ये कहा केजरीवाल साहब ने, अब कोई वो नहीं आएगा आपके पास, इंस्पेक्टर राज खत्म, कोई इंस्पेक्टर रेड मारने नहीं आएगा, बस ईमानदारी से टैक्स भर देना, 7% वैट माफ कर रहा हूं, क्योंकि IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, इनकम टैक्स का कमिश्नर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का कमिश्नर है, उनकी पत्नी भी कमिश्नर है, उसको पता है पैसा किधर से आना है किधर से जाना है, आपके हरियाणा का ही है ना शिवानी का। सो दोस्तों 5.5% वैट कर दिया, 7% माफ कर दिया, अगले साल 2,000 करोड़ की कलेक्शन बढ़ गई देखो इस बात से। सो सरकारों का काम ये नहीं होना चाहिए सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कलेक्शन बढ़ती है, कई बार टैक्स कम करने से भी कलेक्शन बढ़ती है। कई बार लोग रुके रहते हैं कि यार थोड़ा सस्तियां हो जाएं रजिस्ट्रियां तब करवा लेंगे, उतनी देर बयाने में ही रहते हैं, हम तो जमीनों से आए हुए हैं ना, हमें पता है बयाना क्या होता है ना, हमें पता है कि जमीन की रजिस्ट्री क्या होती है, कलेक्टर रेट क्या है, पैसे कितने देते हैं, कलेक्टर रेट कितना है, सब पता है मुझे, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। इंडस्ट्री को पॉलिसी के मुताबिक इंडस्ट्री को भी मतलब बचाना है, किसान को भी बचाना है, क्योंकि बहुत सी एग्रो इंडस्ट्री है वो किसान पर बेस्ड है, हमारा एग्रो है स्टेट है दोनों, तो ये हमारी स्टेट को छत्तीसगढ़ की जमीनों से कैसे मैच कर सकते हैं। हर रोज मेरी उनके साथ कोई ना कोई पंगा हो रहता है वहां सेंटर में, अभी हाईवे निकाल रहे हैं, अब कहते हैं आप उड़ीसा वाले रेट दो पंजाब वाले, मैंने कहा उड़ीसा की जमीन को हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, उड़ीसा की बेआबाद जमीन है, कोई कुछ होता ही नहीं वहां पे, कोई हमारी फर्टाइल जमीन है 1-1 इंच, आप हमें और रेट दो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, उड़ीसा की जमीन का इतना रेट है तो पंजाब में इतना क्यों, अभी हाईवे आप उड़ीसा में उधर निकाल लो हमें, लेकिन हमारे तो रेट दो ना, हमारे किसान का रेट दो, ठीक है ना। तो सरकार के पास लैंड पूल होना चाहिए, इतना भी महंगा ना हो कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए, तो हमारे पास लैंड पूल है, मैं तो कहता हूं आज, वैसे तो मैं वोट के लिए कहता हूं आपको कि 5 अक्टूबर को वोट दे देना, लेकिन अगर वोट दे दोगे तो यही हो जाएगा काम, नहीं मैं दोबारा आऊंगा आप सबको पंजाब ले जाऊंगा मैं, वैसे तो घर ठीक कर लो वही ठीक है, घर ठीक कर लो वही ठीक है, नहीं तो मैं उधर ले जाऊंगा मैं दोबारा आऊंगा मैं तो इस बात के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो अगर आगे घंटा और लग गया ना मेरा तो 10-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इधर, और 10-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब है 60-70 हजार लोगों को काम भी मिलेगा साथ में, जितने दुखी आप हो, जितने दुख से आपने लिखी हुई हैं चीजें, जितने आप दुखी हो लेकिन अपने दुखों को यहीं ठीक कर लो, साथ दो, और हम देशभक्त लोग हैं, कोई हम समाज में आपको नहीं बांटेंगे, हम तो स्कूल बनाने वाले लोग हैं, हम अस्पताल बनाने वाले लोग हैं, हम इंडस्ट्री लाने वाले लोग हैं,
हम बिजली लाने वाले लोग हैं, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव से उठा, पता ही नहीं था कि उसने दुनिया हिला देनी है। आज जो मर्जी है झूठे पर्चे डाल लो, कोई बात नहीं, राजनीति में करते रहते हैं तो जो मर्जी कर लो, लेकिन उस बंदे ने हिला रखा है पूरे देश को, राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। भगत सिंह का एक शेर है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सो लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सो ये देश बहता दरिया है, और मुझे एक टीवी चैनल पे कहा गया कि रैपिड राउंड है, हम एक बंदे का नाम लेंगे किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय बताना कि उसके बारे में क्या सोचते हो। कहते सुखबीर सिंह बादल, मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना बोलनी आती है, पंजाब के बारिश बनना चाहते हैं, हो नहीं सकता। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैंने कहा महलों वाले लोग हैं, राजे हैं, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ हैं, तो लोगों के साथ तो कभी हुए नहीं सर। कहते जी नरेंद्र मोदी, मैंने कहा किसी भी बात को कहीं भी उसे उठा के कहीं भी जोड़ के कहीं से भी बोल के बोल देते हैं, और साथ में कहते हैं गारंटी देता हूं। कहते कैसे, मैंने कहा चंद्रयान के लॉन्चिंग पे चले गए, इसरो ने किया था चंद्रयान का लॉन्च, तो मैं भी देख रहा था लाइव चल रहा था, मैंने कहा सुन लें प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, चंद्रयान के लॉन्च पे चले गए, वहां पे कहने लगे इसरो से मेरा पुराना नाता है। अपने माथे पे हाथ मारा, मैंने कहा आठवीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो की बातें कर रहा है यार ये, इसरो तो साइंटिस्ट पढ़े लिखे लोगों का काम है, इसका क्या नाता हो सकता है इसरो से भी। मैंने कहा जोड़ेगा तो सही, फिर कैसे जोड़ेगा, उसने कहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था तीसरी चौथी कक्षा में था बहन भाइयों, मेरे हाथ तंग था पढ़ाई में, तो इसीलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। ओ की बनू मुल्क दा, ओए मैं क्या होए, ओ की बनू देश दा, मैं क्या रब्बा बचा ला यार। ताड़ियां बज रही हैं जिवें तुसी बजा रहे सी, ताड़ियां बजा रहे। फिर उन्होंने सब तो औखा सवाल पूछा, कहते भगवंत मान अपने बारे में मैं क्या बोलूं, फिर मैं क्या जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, मिलते रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत